ऑल द स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन करेंगे, अपने माइक्रोफोन जो साथ में गाना चाहे वो लोग माइक्रोफोन भी ऑन कर सकते हैं। एंड वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर। वी विल डू द प्रेयर ऑफ याकुंडे दुतु चार हार धवला। एंड हम लोग आंखें बंद करेंगे, सब लोग एक जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद करिए एंड लेट अस स्टार्ट द प्रेयर। याकुंडे दुतु चार हार धवला या शुभ्रवस्तावता या वीणावरदंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभु देवी देव ही सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशे सजायापहा निशे सजायापहा। गुड मॉर्निंग ऑल, फीलिंग गुड? चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर टुडे। आई विल स्टार्ट विद योर इकोनॉमिक्स। एंड इन इकोनॉमिक्स विच वॉज द पेज वी हैव कम्प्लीटेड, हमने कौन से पेज तक कम्प्लीट कर दिया है? कैन एनी वन टेल मी? 70, 70, 70। तो आई विल टेक 73। Okay, monopolistic competition that we have done, and oligopoly, is it the one we have to start? हमको oligopoly से शुरू शुरू करना है। Yes ma'am. Yes ma'am. अब हमने देखा imperfect competition, perfect competition, and we had you can say seen monopoly. तो monopoly is something which is the extreme end. Suppose एक line हम draw करते हैं तो the beginning would be monopoly and the end would be your perfect competition. उन दोनों के बीच, ये दोनों क्या है, they are not practically applicable in our life. तो ये दोनों के बीच में क्या है, there is you can say oligopoly, duopoly, monopolistic competition, all this exists between them. उसमें से हमने you can say oligopoly मोनोपोली चेक सॉरी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हमने देख लिया है ओलिगोपोली। नाउ दिस इज समथिंग विच यू विल सी इन प्रैक्टिकल लाइफ। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ओलिगोपोली इन अवर रियल लाइफ यू कैन सी। ओलिगो का मतलब होता है कम, मतलब फ्यू, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिया है। यह ओलिगो का मतलब होता है कम लोग, और पोलन मीन्स सेलर्स, पोली का मतलब आप समझ लो पीपल और सेलर्स और पर्सन हु आर सेलिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ओलिगोपोली मतलब व्हेन फ्यू पीपल्स आर सेलिंग इन द मार्केट द प्रोडक्ट दैट इज नोन एज ओलिगोपोली। एंड द पीपल हु आर सेलिंग दे माइट बी सेलिंग आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कोलगेट, टेल मी। सबने ब्रश किया है ना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे स्मेल नहीं आएगी ड्यू टू टेक्नोलॉजी, गुड फॉर मी। सो टेल मी, सबने ब्रश किया तो किससे क्या? डाबर। ओके, डाबर इज देयर सेकंड, वेरी गुड, गुड टू हियर इंडियन कंपनी नेम, वेरी गुड। डाबर है, फिर कौन सा है? पतंजलि दंत कांति। पतंजलि दंत कांति, फिर एप्सिडेंट, क्लोज अप। सो इफ यू मेक ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ यू कैन से toothpaste in India, you will have around 10, 20, 30, 40, maximum 50. So you can say only 50 brands are, or 70 brands, 50, 60, 70 brands are actively selling toothpaste in the market. So you can say the companies who are selling toothpaste in the market, they are part of oligopoly. Okay? You can say, let's move further. As per Professor Stigler,
Oligopoly is a market in which the firm decides its policy according to the behavior of the competitor. Competitor आपके बारे में competitor क्या करेगा उसके बेस में हम decide करेंगे कि what we will do. For example, if Colgate reduces the price by rupees 2, then Pepsodent will reduce the price by rupees 2. जैसे ही कोलगेट ने प्राइस रिड्यूस किया वैसे ही पेप्सोडेंट को भी प्राइस रिड्यूस करना ही पड़ेगा. कोलगेट गेव 20% ऑफ तो पेप्सोडेंट भी 20% ऑफ लेके आई जाएगा. या फिर डाबर ने अगर 30% ऑफ दिया तो कोलगेट को भी 30% ऑफ देना ही पड़ेगा. पतंजलि ने अपना प्राइस रिड्यूस किया तो कोलगेट को भी अपना प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा. सो 1% की चेंज की वजह से पूरी मार्केट में चेंज. आप देख लेना कि अगर सपोज एक ब्रांड जैसे चार या पांच ब्रांड है उसमें एक ब्रांड ने अगर कोई ऑफर लेके आए तो सेकंड ब्रांड को वो फॉलो करना ही पड़ता है. तो वी आर ऑलवेज इन द प्रेशर. हमको हमेशा प्रेशर में रहना पड़ता है ऑफ चेंजिंग आवर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच इवन स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स आउट ऑफ लेस सेलर्स हैव इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. Now we talk about perfect competition. Then in perfect competition, a single seller is not having any effect on the price determination in the market. Monopoly mein price maker hi hum hai. We are either price maker or price you can say taker. In monopoly we are price maker. In perfect competition we are the price taker. But over here we are price is determined by the competitors. So competitors as well as any one seller with very less effect thoda sa bhi change karke wo market mein price ko tod sakta hai, change kar sakta hai. Matlab aap ek koi nayi machine le aao hai na of production aur jiske wajah se aapki cost of production 10% kam ho jati hai, uske wajah se aapne cost selling price 10% kam kar di without reducing the profit. अब आप एक मशीन में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके वजह से पूरी मार्केट को उस मशीन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने 10% अगर प्राइस कम कर दी तो सब लोग आपके पास से प्रोडक्ट खरीदेंगे बिकॉज देर आर हार्डली 10-20 प्रोडक्ट्स और इजीली हमें पता चल जाएगा कि ये एक्स प्रोडक्ट हैज रिड्यूस द प्राइस एंड वाई प्रोडक्ट इज स्टिल एक्सपेंसिव. सो वन सेलर विद वेरी लेस इफेक्ट और यू कैन से एफर्ट्स इफ ही रिड्यूसेस द प्राइस अदर्स हैव टू फॉलो इट. And there is a very high impact of sellers on the prices of the product. Next will be your characteristics of all of you understood the meaning of oligopoly. Ruchika, did you get the meaning? Archita, aapko samajh aa gaya? So to nahi gaye, Archita? No, ma'am, samajh mein aa gaya. हाँ जी नहीं सो नहीं गए मेरे को यही टेंशन है आज के दिन के लिए यही टेंशन है 7:30 बजे प्रैक्टिस नहीं रही ना आप लोगों को इतना जल्दी उठने की दैट इज व्हाई. चलिए बढ़िया ओके. नाउ वी विल मूव ऑन टू योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली. इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली वी हैव वेरी फ्यू सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी हैड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. In monopoly, we had only one seller and large number of buyers. In monopolistic competition, we had, you can say, a large number of sellers, but and large as a lot large number, but more number of buyers and more number of sellers. So, if I draw a line, let me draw a line here. See if this is a line, है ना? Or here you would have monopoly. ये जो area है, that will be something you would say is monopoly. ये monopoly, ठीक है? Beginning of the market, and this will be your perfect competition. I'm using the mouse. थोड़ी handwriting खराब है, समझ आना. Perfect competition, ये monopoly है. Now, here you would have, in the middle, you will have combination of both, that is monopolistic competition. Okay? After monopoly, here we will have duopoly. Duopoly ka matlab kya hota hai? Only two sellers in the market. Then we have
ओलिगोपोली. ठीक है, सो वी हैव मोर नंबर ऑफ सेलर्स देन मोनोपोलिस्ट, सॉरी मोर नंबर ऑफ सेलर्स फ्रॉम डिओपोली बट लेस नंबर ऑफ सेलर्स फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. एज वी मूव फ्रॉम यू कैन से your left hand side to right hand side, the number of buyers as well as the number of sellers, they are going to increase. Clear? This is all about your, samajh mein aa gaya? Okay. Yes. Theek hai. So this is all about that we have few sellers and numerous number of buyers, which is more than duopoly but less than perfect, which is more than monopoly but less than perfect competition. Next is your similar or substitute product. The companies who are selling the product, they are either selling the similar product or they are selling the substitute product. For example, kis example do main aapko, toothpaste ka to ho gaya, aur koi example do, shampoo conditioner. So they sell same or you can say with minor changes they would sell the product. For example, salt, crude oil, tea, etc. Chai to chai hoti hai, abhi tak maine pee bhi nahi bolo. So salt, crude oil, tea, etc. Wo sab they are same thing. Theek hai, they have only some certain bolte hai shape mein thoda changes layenge ya fir they will bring some add some aroma etc. So as to create better you can say a group of you can say consumer who are loyal to you. Matlab suppose if a consumer likes the aroma of certain product, Colgate ki aroma pasand hai ya fir Bagwat ki chai ki aroma pasand hai, so they will go for that. So ek thoda changes karne ki wo koshish karte hain. Theek hai, then for example cold drinks, motorcycles, they have very less number of brands available and they have you can say identical products to be sold in the market. नेक्स्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म. यहाँ पर एंट्री यानी अंदर आना इट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, बाहर आप जा सकते हो, इट इज वेरी इजी टू एग्जिट द फर्म, बट एंट्री करना इट इज ह्यूमंगस टू डू द एंट्री. इफ यू हैव आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ वन मूवी गुरु, आई वुड लाइक टू वॉच दैट मूवी, ऑल ऑफ यू शुड वॉच दैट मूवी. In which Abhishek Bachchan wants to start a business, but he is not allowed by the old businessmen to enter in the business. जैसे कोई नया businessman आता है, सारे businessmen दूसरे जो businessmen का main aim होता है, इसको बाहर करो. जैसे Reliance Jio when it came in the market, सारी जो भी telecommunication company है, they made a decision कि हम लोगों का जैसे आइडिया टू वोडाफोन फ्री है, आइडिया टू एक्स वाई जेड फ्री है, आइडिया टू वॉट एवर कंपनी इज फ्री, बट आइडिया टू जियो अगर जाएगा तो या तो वो चार्ज कर रहे थे और दे वर जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स. सॉरी देयर वाज समवन ऑन द डोर, सो आइदर they would what was maine kya bola tha abhi, can you help me with that? Idea to Jio. ha idea to Jio mein kya karte the wo log ki ya to unko charges extra le rahe the ya fir aap koi bhi mobile se Jio ka mobile lagao aapka nahi lagega, char ya panch baar lagaoge tab jaake Jio ka mobile lagega. yani wo ye prove karna cha rahe the ki Jio ki connectivity is very bakwas. Even if it is giving for free, you should not go for it. But as Jio had the what we say support of Reliance Telecommunication, Reliance Industries, वो टिंग थी. अगर उसकी जगह पे कोई नई कंपनी होती, तो it would be crushed. Literally, they will crush the company. कि भाई हमको तो आपसे यानी इसको हटा ही दो. तो it is very difficult to enter in oligopoly. Exit, हाँ हाँ, आपको निकलना, निकल जाओ. Why? Because as and when you will leave, now I will have more customers. आप अगर organization को छोड़ के जाते हो तो मुझे ज़्यादा customers मिलेंगे. So it is well and good for me. Yes or no? So that helps. You can say here entry, exit. Entry क्या है? Restricted है. But exit it is free. In case of monopoly, entry और exit दोनों restricted थी.
मोनोपोली में ना आप एंट्री कर सकते हो ना एग्जिट कर सकते हो. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किसी को आना है आओ, किसी को जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम. सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट का मतलब आपको एक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज योर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या होती है कि पैकिंग अच्छी से करना, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना, सेल्स टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्सपेंसेस, होलसेल रिटेल को डिस्काउंट देना, शोरूम के प्राइसेस बढ़ना, है ना. ऑल दिस कम्स इन द सेलिंग कॉस्ट. इफ आई विल से योर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग कॉस्ट. इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन योर सेलिंग कॉस्ट वॉज जीरो. In case of monopoly, it was not needed. Then again, it was zero. But in case of oligopoly and monopolistic competition, selling costs have very high impact on the cost of sales. Okay, so the expenses are extreme. If you see the advertisements of Coca-Cola and Pepsi, it is like a war. आपने देखी है ना Coca-Cola और Pepsi की ad? एक दूसरे के को काटना, एक दूसरे के प्रोडक्ट की मजाक उड़ाना, है ना. और अगर आप टूथपेस्ट की बात करो तो यू कैन से कोलगेट विल मेक फन ऑफ डाबर, डाबर विल मेक फन ऑफ पतंजलि. कोई कोई भी बाबा जी कोई टूथपेस्ट दे उसको नहीं मानो, डाबर बहुत साल पुराना है, डाबर इज डूइंग R&D, पतंजलि इज मेकिंग फन ऑफ ऑल अदर ब्रांड्स. कि नाम नहीं ले सकते, दे यू कांट गिव द नेम, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि वो किस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं ना टारगेट करते हैं. सो देर इज एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन बाय हुक और बाय क्रुक, वी वॉन्ट द कस्टमर्स. ठीक है, दैट इज व्हाट इज द सिचुएशन इन व्हाट वी से ओलिगोपोली. बोले ना एकदम इनकी वजह से, ओलिगोपोली की वजह से एडवर्टीजमेंट एजेंसीज का घर चल रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है. अगर ओलिगोपोली ना हो तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं होती, और एडवर्टीजमेंट नहीं होती तो हमें कोई जरूरत ही नहीं थी. सो एडवर्टीजमेंट ऑफ टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट ऑफ कार, यू कैन सी टाटा की कार्स की एडवर्टीजमेंट, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली. यू नेवर सी द एडवर्टीजमेंट ऑफ रोल्स रॉयस बिकॉज दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली. कभी देखिए रोल्स रॉयस की एडवर्टीजमेंट, क्यों? क्योंकि रोल्स रॉयस इज समथिंग विच इज सम इट इज हैविंग वन मोनोपोली इन ओनली वन कंपनी. लाइक रोल्स रॉयस इज मेकिंग सुपर you can say luxury assembled car. So they don't advertise, but you will have advertisement of Tata ki jo aap kehte hai na Nano aur Tata ki hai, ya fir Maruti ki ad hogi. You will have ad of Hyundai, but not Rolls-Royce, because Hyundai, Tata, all this are working in the, you can say, car industry, which is the part of oligopoly. Next is your interdependence. Now all the customers, they are you can say depending on others, you can say customers viewpoint. Agar suppose mujhe car khareedni hai to main apne friends ko puchungi kaun si car khareedni, aur mujhe char mein se teen log ne agar kisi car ko bola ki bhai ye car khareed, to I will go for that car. So I aapne dekha hai Uber gives loyalty पॉइंट्स और फ्रेंड्स पॉइंट, कि भाई आप अपने फ्रेंड को रेकमेंड करो आपको पॉइंट्स मिलेंगे. या फिर बहुत सारी कार ऐसे कंपनी ऐसे बोलती है, आपने हमारी कार परचेज की, अब आपकी फैमिली से भी कोई और परचेज करेगा तो आपको एक्स्ट्रा हम लोग बेनिफिट्स देंगे, या तो हम आपको गिफ्ट वाउचर देंगे, वॉट एवर इट मे बी. सो सेलर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स, दे डिपेंड ऑन ईच अदर. सेलर डिपेंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस. Customer depend on how which product should I purchase. There are only 5 to 6, so I want to get. आप जब किसी को मोबाइल खरीदना होगा सब अपने फ्रेंड्स को पूछेंगे अरे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, और आपके फ्रेंड्स आपको गाइड करेंगे कि भाई हाँ चलो ये अभी न्यू क्वालिटी, बेटर क्वालिटी विद लेस प्राइस, वॉट एवर इट मे बी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट योर कस्टमर एंड हैव दैट गुडविल इन योर कस्टमर, सो एज टू गेट योर पोजिशन इन द मार्केट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, कार, जो भी प्रोडक्ट्स है, सेलर ट्राई टू अट्रैक्ट देम बाय क्वालिटी,
और उसके प्रोडक्ट की बेटर सर्विस, हम आपको 10 साल की सर्विस दे रहा है, कोई बोल रहा है मैं आपको 5 साल की सर्विस एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, कोई आपको बोल रहा है मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, टेलीविजन में वो बोलेंगे कि हम आपको टेलीविजन के साथ में कैसे DTH सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, DTH फ्री दे रहे हैं 6 महीने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस और वी हैव टू वेरी मच बी अटेंटिव टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स इन केस ऑफ ओलिको पॉली. कस्टमर्स को जाते हुए देर नहीं लगती. दिस इज अ सिचुएशन वेयर यू कैन से रियली इन ओलिगोपॉली कस्टमर इज अ किंग. हम बोलते हैं ना मार्केट में कस्टमर इज अ किंग. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कस्टमर इज नॉट किंग, मोनोपॉली में यू कैन नॉट से कस्टमर इज अ किंग, बट इन केस ऑफ यू कैन से ओलिगोपॉली कस्टमर इज अ किंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर प्राइस स्टिकीनेस और किंग डिमांड कर्व. दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. उसके लिए मुझे आई विल नीड वन एक मिनट. इसके लिए हमको चाहिएगा एक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड. नाउ हियर व्हाट हैपेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल as you all know that as the price reduces the demand reduces, sorry demand increases. ye hai aapka, this is your demand curve, all of you yaad hai aapko? Harsh? Yes teacher. What is the law of demand? जब टीचर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, जब प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी. ओके, एंड हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो डायग्राम है इट शोज कि व्हेन द प्राइस रिड्यूस बाय 10% द डिमांड इंक्रीज बाय 10%, व्हेन द प्राइस इंक्रीज बाय 10% द डिमांड रिड्यूस बाय 10%. क्लियर विद दिस? ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई सपोज एयरवेज, एयरवेज इज एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली. किन के 10 या 15 ही एयर कंपनीज है जो एयरवेज यू कैन से फ्लाइट्स की सर्विस प्रोवाइड करती है. अब एक कंपनी है जिसकी उसको पता है कि व्हेन इफ आई रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ फ्लाइट्स बाय 10% माय 10% कस्टमर्स विल गो डाउन. मैंने ये सोचा है कि अगर मैं प्राइस को 10% कम करूँगी तो मेरे कस्टमर्स, यहाँ तक मैंने प्राइस, दिस वॉज अ प्राइस कर्व. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आके सोचा कि मैं मेरी प्राइस को कम कर देती हूँ तो मेरे 10% 10 कस्टमर्स कम हो जाएंगे तो इट वोंट बी नी इश्यू. मेरे 10% मैंने प्राइस रखी थी 5,000 की फ्लाइट की टिकट की प्राइस थी, मैं उसको 5-10% कम करके 10% बढ़ा देती हूँ. आई विल इंक्रीज इट बाय 10%, दैट विल बी 5,500. मैं क्या करूँगी उसको 5,500. तो मैंने फ्लाइट की टिकट 5,000 से 5,500 की, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे पास 100 कस्टमर्स थे. कितने कस्टमर्स थे? 100 कस्टमर्स थे. अब उस 100 कस्टमर्स का 10% दैट इज 90 कस्टमर्स विल आई विल हैव 90 कस्टमर्स, 10 कस्टमर्स चले जाएंगे. पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने 500 इंक्रीज किया है वो उसको कंपनसेट कर सकता है. कैसे? कि भाई अब मेरी टिकट की प्राइस 5,500 है तो ओवरऑल मुझे पैसे उतने ही मिल जाएंगे, लोग कम आएंगे बट आई विल गेट. फॉर एग्जाम्पल स्कूल की फीस अगर 500 रुपये है और 60 बच्चे हैं, ठीक है, और अगर स्कूल की फीस अगर 2,000 रुपये है और 30 बच्चे हैं तो ओवरऑल 2,000 रुपये और 30 बच्चे में स्कूल विल अर्न मोर इंस्टेड ऑफ 500 रुपीज एंड 60 स्टूडेंट्स. सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट. तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि प्राइस कम कर देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर्स हमने सॉरी प्राइस बढ़ा देती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर्स 10% ही कम होंगे. बट इन किंग सॉरी इन ओलिगोपॉली व्हाट हैपेंस ना कि आपने प्राइस को कम किया लेकिन कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस को कम नहीं किया. कॉम्पिटिटर्स विल स्टिल हैव दैट प्राइस ऑफ ₹4,000 सॉरी 5,000 ओनली. मैं तो बोलती हूँ वो क्या करेगा पता है, जैसे उसको पता चला
कि स्पाइसजेट को पता चला कि एयर इंडिया ने प्राइस 5500 किए, तो स्पाइसजेट क्या करेगा, 4999 करके एक रुपया कम करके बोलेगा कि हैव यू रिड्यूस द प्राइस, बट एयर इंडिया हैज इंक्रीज द प्राइस. और वो हर चीज पे, हर बैनर पे लगा देगा कि इवन इफ द अदर कंपनीज आर इंक्रीजिंग द प्राइस, आई एम स्टिकिंग टू द ओल्ड प्राइस एंड आई एम रिड्यूसिंग द प्राइस. सो दैट विल अट्रैक्ट, मुझे तो ट्रैवल करना है और मुझे मेरे 500 रुपए बचेंगे तो मैं सोचूंगी आगे जाके उबर वाले को दूंगी, बैठना है आधी घंटे का. तो व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एयर इंडिया आई विल गो फॉर स्पाइसजेट. एंड द डिमांड फॉर जो एक्सपेक्टेड था फॉर एयर इंडिया वॉज दिस. एयर इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था, जस्ट अ सेकेंड, अंडू. एयर इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं प्राइस रिड्यूस करूंगा तो दिस थिंग विल हैपन विद मी. उसको लगा था प्राइस विल रिड्यूस बट टू अ यू कैन से नॉर्मल एक्सटेंट. बट एक्चुअली क्या होता है, लेट अस सी. सॉरी कस्टमर्स, ओके. एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही मैंने प्राइस कम किया, मेरी डिमांड थम करके गिर जाएगी. मतलब मेरे कस्टमर 100 की जगह पे सीधा 20-25 हो जाएंगे एंड आई वुड बी इन लॉसेस. नाउ दिस कंपनी इज इन लॉस. हियर आई एम अर्निंग लॉस. व्हाई दिस हैपेंड, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में यू हैव टू स्टिक टू द प्राइस. आपने एक रुपये का पैसा का ऊपर नीचे प्राइस में किया तो आपके कॉम्पिटिटर्स उसका फायदा उठाएंगे कि देखा उसने प्राइस बढ़ा दी, देखा उसने ये किया. तो प्राइस क्या हो जाती है, चिपक जाती है. वंस द प्राइस इज डिटरमाइंड इन द मार्केट, वो चिपक जाती है. उसी लिए इसको कहते हैं प्राइस स्टिकीनेस. इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, प्राइस स्टिकीनेस. मतलब प्राइस चिपक जाती है. एक बार प्राइस 30 रुपीज कर दी ना, 2 साल तक वो 30 रुपीज ही रहेगी. बहुत मुश्किल से जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब सबका प्राइस बढ़ेगा तभी हमको प्राइस इंक्रीज करने का बेनिफिट मिलेगा. अदरवाइज यू कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑन योर ओन. यू आर नॉट एट ऑल अलाउड टू इंक्रीज द प्राइस. अदरवाइज ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपकी. एंड दिस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं ये जो है, ओहो सॉरी, ये जो है इट इज नोन एज किंक्ड डिमांड कर्व. इसको क्या बोलते हैं, किंक्ड डिमांड कर्व. सो एज वी हैव किंक्ड डिमांड कर्व सिचुएशन इन ओलिगोपोली, वी हैव price stickiness in oligopoly. Uski wajah se price stickiness hota hai. This is real expected situation, but this is the situation which would happen in our oligopoly. Clear with this all of you? Harsh, Ruchika, saman mein aaya? Rushika, open your camera please. Yes, teacher. Yes, teacher. Saman mein aaya, Ruchika? Okay. So this is all. If this is something about your price stickiness or which is seen in your oligopoly. ये oligopoly में देखी जाती है. So इसका फायदा किसको होता है, we the customers. Oligopoly का फायदा customers को ज्यादा होता है because price चिपक जाती है. तो हमको क्या होता है, वही product, वही quality के अच्छे products कम price में, reasonable price में available है. ठीक है, this is all about your oligopoly. And this is all about your chapter number 6 na? Chapter number 6. Price stickiness. Samajh mein aa gaya? You can see. Yahan pe diya hai. Agar product ki price thodi bhi aap karoge, to jo demand curve hai na, wo yahan se kink ho jayega. Kink curve ka matlab kya hota hai? Tootna. Usko kya bolte hai? Tootna. To hamara demand curve jo tha, it was going, we expected it to go like this, सीधा जाने वाला था, but वो यहाँ तक आया. और जैसे ही हमने price को थोड़ा change किया, सिर्फ हमने, not all, the सबने price को change किया तो it's okay, but अगर कोई एक individual change करने की कोशिश करे तो ये यहाँ से टूट के it will go down and that will bring the losses for the company.
ठीक है. सो विद दिस दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, न्यू टॉपिक ऑफ योर न्यू टेक्स्ट बुक जो 2 साल पहले आई थी, इससे पहले टेक्स्ट बुक में नहीं था. सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइस स्टिकीनेस एंड योर यू कैन से चैप्टर नंबर 6. विद दिस वी कंप्लीट दिस. और उसके अलावा यू हैव एक्सरसाइज. नाउ फ्रॉम एक्सरसाइज वी हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन. उसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिए, नो नीड टू यू कैन से रिपीट दोज क्वेश्चन. जो क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिए वो क्वेश्चन को यूज कर कंप्लीट करने हैं आपको. सपोज मैंने आपको मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन या मोनोपोली या फिर कोई भी क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनोपोलिस्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिए ही होंगे आप आई एम श्योर. तो वो लिखने की वापस से जरूरत नहीं है. बट जैसे ये प्राइस स्टिकीनेस आज हमने कंप्लीट किया है, यू हैव टू डू दिस. देन अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन ये भी हमारा हो चुका है मेरे ख्याल से. ये बाकी रहा डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली. कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. ट्राई टू कंप्लीट दिस मच. वन मार्कर्स, थ्री मार्कर्स जो भी है सारे कंप्लीट कर लेना. ओके. सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6, चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट करना और होमवर्क ग्रुप में सेंड कर देना. ठीक है. सो विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 6. कोई डिफिकल्टी है इन चैप्टर नंबर 6 एनी स्टूडेंट? You can ask me right now. नहीं समझ में आया कोई पॉइंट या फिर आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया हो या फिर आपका कोई सब लोग सो रहे हैं क्या? सब ऑल ऑफ यू जस्ट ओपन योर कैमराज फर्स्ट. रुचि का तो पक्का सो रही थी, आंखें मसल रही है. अभी आदत डाल लो बेटा. आज मैंने 7:30 इसीलिए डाला है लेक्चर कि कल से फिर अगर 7:45 का डालू ना तो दुख ना हो. क्यों मैम ने कल तो 7:30 लिया था, आज 7:45 का लिया है. तो फ्रॉम टुमारो योर लेक्चर्स विल स्टार्ट एट क्या टाइम रखे 8:15. ठीक है, कल से हमारे लेक्चर्स 9 बजे की जगह 8:15 शुरू हो जाएंगे. ओके विद दैट ऑल ऑफ यू? उर्वी उठ जाओगे? यस. ओके ठीक है. तो इस चैप्टर में कोई डिफिकल्टी है किसी को भी? 3 मिनट बचे हैं आपको डिफिकल्टी पूछने के लिए, पूछ लो फटाफट. ओके. सो ईदर आई हैव एक्सप्लेन वेरी वेल. इसके दो ही मतलब होते हैं, या तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है या आपने आपने कुछ सुना ही नहीं. क्योंकि जब हम सुनेंगे तब डिफिकल्टी होगी ना. सो व्हाट शुड आई टेक, कि आपने पढ़ाया पढ़ा नहीं है, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है? हां रुचिका आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है. अच्छा, पीछा छुड़ाओ मैडम से. सुबह सुबह आ गई है, सुबह सुबह जान खाने आ गए टीचर और फिर बोलते ना ये बोलो वो बोलो. और मैं ही मिलती हूँ रुचिका, बोलेगी फिर को मैम को बस हमेशा मैं ही दिखती हूँ. तो मैम ऐसा नहीं है. सही, चलो बढ़िया है बेटा. गुड टू सी यू ऑल. I hope all of you started early so you will study more today. आज हमने जल्दी स्टार्ट किया, पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई करना और चैप्टर का होमवर्क भी कंप्लीट कर लेना आज ही. और कल नेक्स्ट क्लास से पहले तक हमें मुझे होमवर्क भेज देना. ठीक है? ओके. तो मैम अटेंडेंस, अटेंडेंस रुचिका ने ली है और मानविंद्र आप ले ली मैम. मानविंद्र आप बी की ले लेना और रुचिका मैम मैंने दोनों के ले ली, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी. ओके बेटा, गुड फॉर मी, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, सो गुड टू सी यू ऑल. कल से हम लोग थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे लेक्चर सो दैट यू कैन से यू हैव मोर टाइम स्लॉट टू टेक लेक्चर एज अदर टीचर्स आल्सो वांट टू टेक द ऑनलाइन लेक्चर्स. ठीक है, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर स्टे होम, स्टे सेफ एंड prepare for your test. Bye. Bye beta. Bye all.